नमस्कार, MP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारना कला में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं के तहत आज 29 दिसंबर को वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की लगभग 35 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि इसके पूर्व साली राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता सीहोर में धारना विद्यालय के 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 6 जूनियर के वेटलिफ्टर्स ने गुवाहाटी आसाम में अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया एवं सीनियर वर्ग में विद्यालय की दो बालिकाएं निकिता एवं दीपाली कन्नूर आंध्र प्रदेश में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक अपने कला कौशल का प्रदर्शन करके ग्राम धारणा के साथ साथ पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। ज्ञात हो कि संस्था के PTI संदीप मिश्रा को लगातार तीसरे वर्ष मध्य प्रदेश साले लिफ्टिंग टीम का बालिका वर्ग का कोच बनाया गया है। वह भी बालिकाओं के साथ कन्नूर आंध्र प्रदेश में अपने अनुभव का लाभ संपूर्ण मध्य प्रदेश दल को देंगे। MP24 न्यूज़ के लिए संजय काड़े की रिपोर्ट। चलो चल संभल के लंबी सांस लेके अच्छा झुक के मारना। चलो आप उत्तर माध्यमिक विद्यालय में आइए, हम यहाँ पर यहाँ के शिक्षकों से जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी जौनपुर 12 से 14 तारीख को वहाँ राज्य स्तरीय खेल कूद का कार्यक्रम होने वाला है, टेनिस बॉल का भी है, तो आज इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि किस टाइप के कार्यक्रम। स्पोर्ट टीचर के तौर पे यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। मैं आपको बताऊँ कि एक नया खेल है टेनिस वॉलीबॉल, जो पिछले वर्ष से ही साले खेलों में जुड़ा हुआ है और पिछले वर्ष से ही हमने इस खेल को अपनाया है। और लास्ट ईयर हमारे 10 बच्चे राज्य स्तर तक गए थे रीवा में, वहाँ पे 7 बच्चों ने इसमें पदक प्राप्त किए थे। वहाँ से हमें प्रोत्साहन मिला, हम एसोसिएशन से जुड़े। एसोसिएशन का 12 से 14 जनवरी के बीच में जबलपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होना है, इसके लिए जिले से ट्रायल्स थे सिलेक्शन। चूँकि नया खेल है, दूसरे विद्यालय और दूसरी संस्थाएँ अभी जुड़ नहीं पाई हैं, हमारे ही विद्यालय के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 4 मिनी वर्ग के और 4 सीनियर वर्ग के बालक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यहाँ से जाएंगे और वहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे हमारे, वो पूना के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगे। वो राष्ट्र 41 गाँव के बच्चे अध्ययन करने आते हैं जी। हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा है, इसी तारतम्य में हमारे जो PTI हैं श्री संदीप मिश्रा और अन्य स्टाफ, इन सबके सहयोग से खेल गतिविधियों से हमारे बहुत सारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं। विगत वर्ष से साले क्रीड़ा प्रतियोगिता में ये जो टेनिस बॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसमें हमारे बच्चे राज्य स्तर में जा रहे हैं। इसके पहले नेशनल स्तर पे वेट लिफ्टिंग और अन्य प्रतियोगिताओं में बच्चे गए हैं। मैं इस सफलता के लिए अपने बच्चों, अपने स्टाफ और PTI श्री संदीप मिश्रा और बच्चों के अभिभावकों को इसका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों का साहस। आंध्र प्रदेश के कन्नूर में ये बालिका वहां पर अपना प्रदर्शन करने जाएंगी। डाले हैं, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारना कला में स्टडी कर रही हूँ। मैं 12th साइंस की छात्रा हूँ। मैं इस बार, मेरा चयन इस बार राष्ट्रीय भारोत्तोलन में हुआ है। हम दो छात्रा कन्नूर में अपना प्रदर्शन करने जा रही हैं। हम लोग 15 जनवरी को निकलने वाले हैं। अच्छा, आप किसको योगदान देते हैं अपना ये सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा योगदान मैं हमारे PTI सर मिश्रा सर, उनका बहुत आभार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। आप भी गए थे खेलने कहीं? हाँ, मैं रीवा खेलने गया था और सर जब सर हमारे PTI सर हैं और हमारे श्री नीमा सर, ये हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं और हम क्षेत्र में आगे जाकर के पढ़ने वाले छात्राओं ने बताया कि आंध्र प्रदेश के कन्नूर में प्रतियोगिता में भाग लेने ये लोग जा रहे हैं। निश्चित है
जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बासअर्थ उसको समझने की जरूरत है। अगर हम समझ गए तो भगवान की मूर्त। बच्चों में इतना उत्साह है खेलकूद का कि इन्होंने माता पिता के नाम के साथ साथ बरघाट क्षेत्र का भी नाम रोशन किया और साथ में जिले का और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धियाँ इन्होंने हासिल की है। कहा जाता है कि कला संघर्ष की जननी है, इसे प्राप्त करने के लिए कठिन आत्मविश्वास व लगन की जरूरत होती है। इसलिए आगे अगर बढ़ना है तो ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। ध्यान रखो, ना सफलता लिफ्ट मिलती है और ना गिफ्ट मिलती है, इसमें शिफ्ट होने पर मिलती है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ संजय काड़े, MP24 न्यूज़, बरघाट धारणा से।